तो आपको लगता है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जो है संदिग्ध हैं और ये इनके ऊपर नजर रखी जानी चाहिए आने वाले समय में? देखिए मेरे मुताबिक नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों ही व्यक्ति वो हैं जो जिन प्रदेशों से वो आते हैं। चंद्रबाबू नायडू को क्या चाहिए? आंध्र प्रदेश एक बैंकक्रप्ट स्टेट हो चुका है। आंध्र प्रदेश की हालत ये है कि वहां पर सरकारी मुलाजिमों को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है। आंध्र प्रदेश को चाहिए एक स्पेशल स्टेटस का एक दर्जा चाहिए। चंद्रबाबू नायडू के पहले जो मुख्यमंत्री थे जगनमोहन रेड्डी, वो बहुत बार कह चुके कि भाई वहां पे विभिन्न आप राजधानियां बनाइए, पैसा दीजिए। बिहार को क्या चाहिए? नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार को भी ये अश्योरेंस चाहिए कि वो भाई उनका वहां पर वर्चस्व बना रहे और बिहार को भी एक स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिले। अब इतना पैसा कहां से आएगा? अगर दोनों प्रदेशों को अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने लगे तो उसके लिए कोई एक आयाम आपको ढूंढना पड़ेगा। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह कि बहुत वर्षों बाद आप सोच, मैं आपको बताऊं आशुतोष एक किस्सा, पिछले वर्ष की बात है। पिछले वर्ष चंद्रबाबू नायडू दिल्ली में थे और मैंने शायद जनवरी की बात है, राष्ट्रपति भवन में एक कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में चंद्रबाबू नायडू को जाना था, वहां पर उनकी एक आकस्मिक मुलाकात हो गई थी नरेंद्र मोदी से। उस आकस्मिक मुलाकात की तस्वीर ली गई थी और उस तस्वीर को दिल्ली में सभी वरिष्ठ एडिटर से साझा किया गया। चंद्रबाबू नायडू खुद फोन पे आए, बोले देखो मेरा और मोदी के बीच अब कोई मतभेद नहीं है, मोदी हमको पसंद करते हैं, हम मोदी को पसंद करते हैं। यह हालत थी चंद महीने पहले। अब सडनली चंद्रबाबू नायडू के पास चाबी आ गई है। चंद्रबाबू नायडू वो व्यक्ति हैं जो 2019 में यूपीए के मतलब जो 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 गैर भाजपा अलायंस था उसका कन्वीनर बनने लगे थे। चंद्रबाबू नायडू वो व्यक्ति हैं जो एनडीए में पहले कन्वीनर रह चुके हैं। उनके दरवाजे हमेशा सबके लिए खुले थे और खुले हैं, खुले रहेंगे। तो वो आज जो कर रहे हैं वो तो ठीक है, कल क्या करेंगे इसके ऊपर हमेशा एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहेगा। बिल्कुल, अपने दर्शकों को बता दें चंद्रबाबू नायडू कोई नए नहीं है। जब 1996 में यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी थी उसके पहले एचडी देवेगौड़ा के पहले उनका भी नाम प्रधानमंत्री पद के लिए आया था। और लोग ये जानकारी में कहते हैं कि दरअसल चंद्रबाबू नायडू ने मुख्यमंत्री बने रहना बेहतर समझा बनस्पति के वो प्रधानमंत्री बने, क्योंकि उनको लगता था कि शायद प्रधानमंत्री बनना बहुत ही मुफीद नहीं होगा क्योंकि सरकार ज्यादा चलने वाली नहीं है। और उसके बाद यूनाइटेड फ्रंट के लंबे समय तक कन्वीनर थे और उनकी पॉलिटिक्स काफी ठीक ठाक डेवलपमेंट ओरिएंटेड, फिर अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी आ गए थे, नरेंद्र मोदी के साथ भी थे, लेकिन उनके मन में ग्रज लगातार भूपेंद्र बना रहा कि जब वो गिरफ्तार किए जा रहे थे, जब गिरफ्तार किए गए जगनमोहन रेड्डी के माध्यम से, तब उनको नरेंद्र मोदी की सरकार ने बचाया नहीं था। क्या आज की तारीख में वो ग्रज कुछ बड़ा हो सकता है? दूसरी बात, क्या चंद्रबाबू नायडू बहुत बड़े बार्गेनर है, नेगोशिएटर बहुत जबरदस्त है, जबरदस्त तरीके से बार्गेनिंग करते हैं? आज की तारीख में जो आंध्र प्रदेश की सरकार है वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं, वो बीजेपी पर डिपेंडेंट नहीं, वो इंडिपेंडेंटली अपनी सरकार चला सकते हैं, लेकिन केंद्र की सरकार जो है वो नरेंद्र मोदी की सरकार उन पर डिपेंडेंट होगी क्योंकि उनके 16 सांसदों की बड़ी भूमिका होगी अगर उनकी सरकार, मोदी की सरकार अस्थिर ना हो तो। देखिए इसीलिए भारतीय लोकतंत्र की इतनी खूबी है कि कौन व्यक्ति कब ड्राइवर की सीट पर बैठ जाए आपको आपको पता नहीं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि चंद्रबाबू नायडू तो मास्टर नेगोशिएटर है। चंद्रबाबू नायडू वो व्यक्ति हैं कि अभी जैसे हमारे कुछ साथी मुझको कह रहे थे कि भाई उनके मीम्स देखिए, तो मैंने कहा आप किस तरीके किस तरफ के उनके मीम्स देखेंगे, क्योंकि उनके मीम्स सब तरफ के हैं। वो मोदी के भी समर्थक और विरोधी रह चुके हैं, वो सोनिया गांधी राहुल गांधी के भी समर्थक विरोधी रह चुके हैं, तो आपको जिस तरफ उनको देखना आप उनको देख सकते हैं। जो मेरी जानकारी है वो ये है कि चंद्रबाबू नायडू का एक बेसिक जो उनकी एक रिक्वायरमेंट है वो ये कि आंध्र प्रदेश को आपको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देना पड़ेगा, आपको एक स्पेशल फाइनेंशियल पैकेज आंध्र प्रदेश को देना पड़ेगा, आपको कुछ सरकारी स्कीम्स, कुछ सरकारी इन्वेस्टमेंट्स आंध्र प्रदेश में आपको करनी पड़ेगी। इस सब के बाद आता है जगनमोहन रेड्डी का नंबर। भाई हमने तमिलनाडु में देख चुके हैं हम लोग कि AIADMK और DMK के बीच दोनों नेता एक दूसरे के ऊपर हमेशा वार करने में कभी पीछे नहीं रहते। अब की बात जगनमोहन रेड्डी ने चूंकि चंद्रबाबू नायडू को जेल में डाला तो ये स्पष्ट है। मैं बड़े हमारे एक साथी हैं जो आंध्र प्रभा अखबार चलाते हैं, बहुत जाना माना अखबार है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का, वो मुझको बता रहे थे कि देखिए चंद्रबाबू नायडू किसी भी व्यंजन को ना ठंडा करके खाने वाले व्यक्तियों में से है, तो धीरे धीरे वो अपने अपने आप को तेवर दिखाएंगे। फिलहाल उनको स्पेशल पैकेज चाहिए, ऐसी चर्चा है कि उन्होंने कहा है कि उनको लोकसभा स्पीकर का पद उनको चाहिए। मेरी अपनी जानकारी के मुताबिक और मेरा अगर इनसाइट सही है तो वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में जरूर दखल चाहेंगे। अब वो अब या कैबिनेट मंत्रालय उनको दिया जाए फाइनेंस का, या एक जूनियर मंत्रालय की पोजीशन उनके कोटे में जानी तय है, ये तो मुझको बड़ा स्पष्ट तरीके से दिख रहा है। चूंकि उनको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट किसको रिपोर्ट करता है? वित्त मंत्रालय को।
अगर उनको जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ सारे डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स केस खोलने हैं तो उसमें ईडी की बहुत सघन एक भूमिका रहने वाली है। बिल्कुल स्पष्ट तौर पर चंद्रबाबू नायडू इन दोनों में से एक चीज तो जरूर चाहेंगे वो। बिल्कुल अपने दर्शकों को बता दें, बिल्कुल अपने दर्शकों को बता दें कि जब गुजरात में दंगे हुए थे तो उस वक्त सबसे पहले नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगने वालों में चंद्रबाबू नायडू थे, और उसके साथ साथ जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनने की बात हो रही थी तो यूनाइटेड फ्रंट के कन्वीनर छोड़कर जब उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को समर्थन देने की बात की तो उनकी शर्त यह थी कि स्पीकर उनका होना चाहिए। तब अचानक एक बहुत ही अननोन से व्यक्ति जीएमसी बाला योगी को लोगों ने देखा स्पीकर बनते हुए, जो पहली बार के सांसद थे और जिनका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की पॉलिटिक्स में कोई किसी तरीके का कोई दखल नहीं थे, बिल्कुल अननोन से आदमी थे। तो ये चंद्रबाबू नायडू की पॉलिटिक्स है, वो बहुत जबरदस्त निगोशिएट करेंगे। जो बात भूपेंद्र कह रहे थे, नीतीश कुमार का क्या, क्योंकि नीतीश कुमार के मन में भी एक ग्रज है। उनका कहना यह है कि जब विधानसभा के चुनाव हुए तो चिराग पासवान के माध्यम से उनकी पार्टी को खत्म करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की, अब मजबूरन उनके साथ हैं। और चंद्रबाबू और नीतीश कुमार वो भी हैं जिन्होंने जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने थे 2013 में नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी के नाम पर उन्होंने एनडीए गठबंधन छोड़ा था और अपनी सरकार कुर्बान की थी। जी देखिए, नीतीश कुमार तो 2013 की आप कहां बात कर रहे हैं आशुतोष, उसके बाद से तो देखिए कितनी बार पलटी मार चुके भाई। 2015 में वो लालू यादव के साथ गए, फिर दो साल बाद वो कहते हैं ना, मैं हमेशा नीतीश कुमार के लिए मैं कहता हूं कि कॉन्शियंस ऑन कॉल, उनके पास एक वो उनकी आत्मा कभी भी जाग सकती है। तो उनकी जिस दिन उनकी आत्मा जाग गई वो उनको नरेंद्र मोदी में उनको खामियां नजर आने लगेंगी, भारतीय जनता पार्टी में उनको खामियां नजर आने लगेंगी। आप देखिए इस बार चुनाव प्रचार में उन्होंने क्या क्या नहीं कहा उन्होंने लालू यादव के बारे में, कि क्या आदमी है, कितना बच्चा पैदा करता है, अपने परिवार के लिए रहता है। और अब आज देखिए, आज वही विस्तारा की जो फ्लाइट टेक ऑफ करी आज पटना से, क्या ये महज संयोग है क्या ये कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव वो दोनों एक ही फ्लाइट में एक साथ आ रहे थे। अब उस फ्लाइट के दौरान क्या बात हुई नहीं हुई ये तो सर देखिए किंतु परंतु के स्पेस में किया जा सकता है, लेकिन दोनों ही, मैं आपको बताऊं, दोनों ही नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू किसी के सगे नहीं है। लालू यादव जी उनके नीतीश कुमार के बारे में एक बात कहते थे ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं। हमेशा कहते नीतीश के पेट में आंत है, उसके पेट में दांत है। नीतीश जी अपने जीवन के इस पहर में आप देखिए उनके दोनों हाथ में लड्डू मिल गए होंगे। अब वो क्या करते हैं, अब समस्या सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि कांग्रेस के पास उतनी सीटें नहीं है कि आप इन सब लोगों का भानुमति का पिटारा जोड़ के, उनका कुनबा जोड़ के आप कोई सरकार बना लें। इसलिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार फिलहाल आराम से एनडीए के खेमे में हैं, केंद्र में मंत्री पद लेंगे, अपने अपने राज्यों के लिए बेहतर नेगोशिएट करेंगे और फिर देखेंगे कि किस तरफ ऊंट किस तरफ पलटता है। एक बात और भी आप ध्यान दें कि बीजेपी में आंतरिक सिचुएशन क्या होगी, क्या बीजेपी में जो शिवराज सिंह चौहान इतने बड़े मेजोरिटी से जीत के आए हैं उससे कुछ होगा, क्या बीजेपी में क्या विरोध के स्वर पैदा हो सकते हैं। मुझे लगता है ये भी बहुत इस बात ये निर्भर करेगा इस बात पे कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू क्या करते हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।